So today in this video, I'll teach you how to rearrange the interrogative sentences. So what are interrogative sentences? Interrogative sentences वो होते हैं जो yes और no का answer पूछते हैं, question answer पूछते हैं. Like कोई भी sentence है जिसमें question mark लग जाता है पीछे, they are interrogative sentences. Basically these sentences start from a helping verb like is, are, was, were, have, has, and all models like could, should, shall, will, or ये जो sentences होते हैं ये start हो सकते हैं whose, what, which, how, who, तो इन सब से भी start हो सकता है. ठीक है, तो ये दो points होते हैं interrogative sentence को identify करने के लिए. पहला कि क्या वो helping verb से start हो रहा है या फिर words like what, what, which, how, who, whom, whose, इन सब से स्टार्ट हो रहा है. एंड दूसरा पॉइंट है कि क्या उसके पीछे फुल स्टॉप की जगह क्वेश्चन मार्क लग रहा है कि नहीं लग रहा है. ठीक है, तो ये दो पार्ट होते हैं. तो जैसे कि हर एक सेंटेंस के पार्ट होते हैं कुछ, तो इस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के भी कुछ पार्ट होते हैं. तो लेट्स कम टू द पार्ट. पहला पार्ट होता है उसका वर्ब. तो एज आई हैव टोल्ड यू कि वो वर्ब से स्टार्ट होता है. तो बेसिकली जो वर्ब होता है वो होते हैं दो टाइप के. फर्स्ट इज़ हेल्पिंग वर्ब और एक होता है हमारा एक्शन वर्ब. तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब वही हो गया हमारा इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड एंड ऑल द मॉडल्स लाइक कुड, शुड, would, shall, will. ठीक है, और हमारे helping verbs क्या होते हैं? जिन helping verbs in हिंदी are known as क्रिया. वो सोने गया, तो क्या करने गया? सोने गया, तो ये हमारा helping verb हो गया. he have decided it, तो क्या किया? decide किया. they met क्या किया? बोलो मिले, तो met हमारा helping verb हो गया. तो ऐसे हम identify करते हैं helping verb कि जो काम हो रहा होता है, जो लोग कर रहे होते हैं उसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं. तो बेसिकली जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ स्टार्टिंग नहीं होती है. हेल्पिंग वर्ब से जो स्टार्टिंग होती है वो या तो हमारे एक्शन वर्ब से होती है लाइक इज़, आर, एम, वॉज, वर, हैव, हैड एक्सेट्रा, या फिर हमारे स्टार्ट होते हैं वर्ड्स लाइक वॉज, सॉरी, वॉट, हुज, हुम, हाउ. ठीक है, इन सब से स्टार्ट होते हैं हमारे. डिड, डज, इन सब से हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होते हैं. बहुत ही कम ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो हमारे एक्शन वर्ब से स्टार्ट होते हैं. ओके, अंडरस्टूड. सो दूसरा जो हमारा सेंटेंस का जो पार्ट होता है वो होता है सब्जेक्ट. अब सब्जेक्ट क्या होता है? जो किसी काम को कर रहा होता है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं. जैसे कि ही, शी, आई, दे, देम, वी और एनी अदर नेम ऑल्सो लाइक नीता, राम, रोहन, श्याम, मीना, एनी नेम, राइट? सो यू, आई आर ऑल्सो सब्जेक्ट. तो इन सबको हम क्या यूज़ करते हैं? एज अ सब्जेक्ट. तो ये इस सेंटेंस में ज़रूर कोई काम कर रहे होंगे. ठीक है, आई हैव रेड द बुक. तो सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? आई इज़ द सब्जेक्ट. क्या करा उसने? बुक रीड करी. ओके, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्ट यहाँ पे कोई काम कर रहा है, सब्जेक्ट यहाँ पे बुक रीड कर रहा है, तो वो सब्जेक्ट हो गया. ठीक है, दूसरा, अब जो दूसरा पार्ट आता है वो आता है प्लस प्रेपोजिशन. प्रेपोजिशन अब हमारी क्यों यूज़ होती है प्रेपोजिशन एक सेंटेंस में? प्रेपोजिशन हमारी सेंटेंस में हमेशा इसलिए यूज़ होती है क्योंकि हमें कुछ पार्ट्स चाहिए, कुछ वर्ड्स चाहिए हम अपने सेंटेंस में जो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना पाए. अगर हम ऐसे ही वर्ड्स रख देंगे और हम कोई भी सेंटेंस में हम अगर प्रेपोजिशन नहीं लगाएंगे तो हमारा सेंटेंस जो है वो इनकम्प्लीट बताएगा, वो मीनिंग नहीं पोर्ट्रे कर पाएगा जो उसे करना चाहिए. ओके, अंडरस्टूड. जैसे कि यही हमारा एक हमारा एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, इज़ देयर अ डॉक्टर इन द हाउस. तो अगर इन नहीं लगेगा, इन इज़ द प्रेपोजिशन है, तो अगर इन नहीं लगेगा देयर इज़ अ डॉक्टर द हाउस,
कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आएगा, क्योंकि इन प्रेपोजिशन नहीं लगा है। तो ये प्रेपोजिशन, कंजंक्शंस, ये सब हेल्प करते हैं हमारी जो पूरा सेंटेंस है उसको एक मीनिंगफुल मीनिंग देने के लिए, और हेल्प करते हैं जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो हमारा सब्जेक्ट है, हमारे वर्ब्स हैं, उनको कंबाइन करने के लिए और एक सेंटेंस बनाने के लिए। सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अ प्रेपोजिशन इज ऑलवेज फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट। अब व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट? ये हमारा फोर्थ पार्ट है सेंटेंस का। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिन पर वो काम हो रहा होता है। तो जिस किसी पर भी कोई काम हो रहा है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम टीचिंग यू, तो यू जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। जैसे आई इज़ द सब्जेक्ट है, टीचिंग इज़ द एक्शन वर्ब, क्योंकि ये पढ़ाया जा रहा है, पढ़ा रहे हैं, तो वो एक्शन हो गया। और किसको पढ़ा रहे हैं? ये टीचिंग किसके लिए हो रही है, ये काम किसके लिए हो रहा है? ये यू के लिए हो रहा है। तो यू यहाँ पे क्या हो जाता है? यहाँ पे हमारा यू ऑब्जेक्ट हो जाता है। ओके, अंडरस्टूड? तो यही हमारा जो बेसिकली हमारे जो ज़्यादातर जितने भी हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस को रीअरेंज करना होता है उसका हमें एक फॉर्मूला होता है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इनमें से जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है कोई सेंटेंस में, सिर्फ सब्जेक्ट है, वर्ब है और प्रेपोजिशन है, तो हम वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रेपोजिशन प्लस अदर पार्ट ऑफ द वर्ब ऑफ द सेंटेंस लगा देते हैं। प्रेपोजिशन के बाद सीधे सारे अदर पार्ट, जो दूसरा पार्ट है, जो और सारे वर्ड्स हैं सेंटेंस में, वो लग जाएंगे और ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा। ओके, देर आर ऑल्सो मैनी सेंटेंसेज इन विच प्रेपोजिशन इज़ नॉट यूज्ड, लाइक आई एम टीचिंग यू, देर इज़ नो प्रेपोजिशन इन दिस। सो हम तो वो हम अकॉर्डिंगली देखते हैं। अगर हमारे पास कोई इस पूरे स्ट्रक्चर का कोई पार्ट नहीं होता है तो वो हम उसको स्किप कर देते हैं, और स्किप करने के बाद हम उसका दूसरा पार्ट लगा देते हैं। तो अगर हमारे पास कोई प्रेपोजिशन नहीं होती तो हम क्या यूज़ करेंगे? वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस। ओके, अंडरस्टूड? सो लाइक आई हैव सम एग्जाम्पल्स फॉर यू। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज यू बाय I am, can, upset, understood. So, as I've told you, कि जो हमारे interrogative sentences हैं उसमें question mark लगेगा, तो question mark is necessary. It is very important, okay? And दूसरी चीज़, हमारा किससे start होगा? अब हमारा you से तो start नहीं हो सकता, क्योंकि एक assertive sentence नहीं, एक interrogative sentence है, ठीक है? Now, अब हमारा helping verb से start हो सकता है, like could, should, can, shall, will, have, had, has, was, were, is, am, are, इन सब से भी स्टार्ट हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा एक हेल्पिंग वर्ब है, दैट इज़ कैन। तो हम अपना किस से स्टार्ट करेंगे? कैन से स्टार्ट करेंगे। ओके, नाउ अब हम क्या देखेंगे? वर्ब प्लस सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? वाई सब्जेक्ट नहीं हो सकता। ओके, अब नाउ हमारे पास एक यहाँ पर ऐसा भी वर्ड है Why, जिससे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं। तो बहुत बार आएगा कि यू विल गेट कन्फ्यूज कि हमारे पास दो चीज़ें हैं और हम किससे स्टार्ट करें। बट जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे यू विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड दैट किससे हमें स्टार्ट करना चाहिए और किससे हमें स्टार्ट नहीं करना चाहिए। ओके, सो हम दोनों तरीके से ही स्टार्ट करेंगे। अगर हमने अपना सेंटेंस वाई से स्टार्ट करा होता, तो जैसे अगर हमने अपना सेंटेंस वाई से स्टार्ट करा, तो वाई प्लस सब्जेक्ट होगा, वाई यू। ओके, प्लस हमारा क्या लगेगा? हमारा प्रेपोजिशन लगेगा जो हमारे पास नहीं है, ठीक है? हमारे पास यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? अंडरस्टैंड, वाई यू अंडरस्टैंड। तो ये थोड़ा सा जो थोड़ा सा मीनिंग है वो समझ में नहीं आ रहा, आधा सेंटेंस बनाने के बाद ही हमें पता चल गया। लेट्स ट्राई फ्रॉम कैन। सो कैन, कैन हमारा वर्ब है, कैन से स्टार्ट किया। देन हमारा आया यू, दैट इज़ अ सब्जेक्ट। देन हमारे हेल्पिंग वर्ब्स आए, दैट इज़ अंडरस्टैंड, कैन यू अंडरस्टैंड। ओके, तो कैन यू अंडरस्टैंड तुम्हारा बन गया। ओके, तो अब वाई, तो हमें कभी भी वाई, हाउ, हूज, वॉट, ये सब सेंटेंस, ये सब जो वर्ड्स होते हैं वो हमेशा एंड में नहीं लगते हैं। तो हमेशा वो कहीं ना कहीं या तो मिडल में लगेंगे या तो स्टार्टिंग में लगेंगे। तो हम
अगर कैन यू अंडरस्टैंड आई एम अपसेट वाई, तो ये तो उसका कोई मतलब ही नहीं बन रहा, राइट? तो कैन यू अंडरस्टैंड वाई आई एम अपसेट? नाउ दिस इज मेकिंग सम सेंस, दिस सेंटेंस इज मेकिंग सेंस कि क्या तुम, कैन यू अंडरस्टैंड, क्या तुम समझ सकते हो कि क्या मैं इतना दुखी क्यों हूँ? दिस सेंटेंस इज मेकिंग सम सेंस विद अ क्वेश्चन मार्क. ओके, सो दिस विल बी द एप्रोप्रिएट आंसर. सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. हाउस द इन डॉक्टर इज देयर. सो नाउ हमें अपने सबसे पहले वर्ब ढूंढना है. वर्ब हेयर इज, ठीक है? तो वर्ब से स्टार्ट हो गया हमारा इज. ओके, सो नाउ वॉट इज द सब्जेक्ट हेयर. सब्जेक्ट हेयर इज डॉक्टर. डॉक्टर सब्जेक्ट है, ठीक है? जो किसी काम को कर रहा होता है, तो डॉक्टर यहाँ पे कुछ कर रहा है, तो डॉक्टर इज द सब्जेक्ट है. तो हमें वर्ब मिल गया अपना और हमें अपना सब्जेक्ट मिल गया. फिर उसके बाद हमें अपनी प्रेपोजिशन ढूंढनी है. प्रेपोजिशन यहाँ पे क्या है? इन है. तो डॉक्टर इन, ठीक है? सब्जेक्ट के बाद क्या आ गया हमारा? प्रेपोजिशन आ गई. तो हमें इतना तो पता है कि पहला हमारा वर्ड जो है वो इज है, उसके बाद फॉलोड बाय द सब्जेक्ट दैट इज़ अ डॉक्टर, फॉलोड बाय प्रेपोजिशन दैट इज इन, एंड फॉलोड बाय द अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस. तो अब इसको हमें जोड़ने के लिए हमें जो कुछ वर्ड्स हैं वो यूज़ करने हैं. तो नाउ इज देयर अ डॉक्टर. नाउ दिस इज मेकिंग सम सेंस. इज देयर अ डॉक्टर इन द हाउस. क्या यहाँ पर, क्या इस घर में कोई डॉक्टर है? तो ये दिस सेंटेंस इज मेकिंग सम सेंस. दैट इज व्हाई दिस सेंटेंस इज द एप्रोप्रिएट आंसर. ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. अर्ली दिस गीज आर रिटर्निंग द दिस ईयर. सो सबसे पहले वील फाइंड आर वर्ब. हेयर वर्ब इज आर. ओके, सो वील स्टार्ट दिस विद आर. आर, नाउ वॉट इज द सब्जेक्ट हेयर? सब्जेक्ट इज गीज. ही, शी, आई, दे, वी, देम, और एनी नेम और अ पर्सन और एन एनिमल और एनी थिंग विच इज डूइंग सम वर्क दैट इज गीज हेयर. सो आर द गीज. नाउ द हेल्पिंग वर्ब इज, हेल्पिंग वर्ब लगेगा यहाँ पर, ठीक है? हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर? रिटर्निंग. जब प्रेपोजिशन नहीं होती तो हमें कुछ ना कुछ जोड़ने के लिए सेंटेंस को कुछ ना कुछ तो चाहिए. तो अगर हमारे पास सेंटेंस में प्रेपोजिशन नहीं है तो देन फाइंड अ वर्ड दैट इज़ अ हेल्पिंग वर्ब. ओके, सो रिटर्निंग इज अ हेल्पिंग वर्ब हेयर. सो आर द गीज रिटर्निंग. नाउ अब हमें अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस यूज करना है, अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस हमें लगाने हैं. तो हम इसको भी हम जम्बल्ड फॉर्म में नहीं लगा सकते, इसको भी हमें बिल्कुल एप्रोप्रिएट वे में लगाना है. सो हमारे यहाँ तक तो सेंटेंस बन गया, आर द गीज रिटर्निंग. नाउ दिस ईयर अर्ली, दिस इज़ नॉट मेकिंग सम सेंस. दिस इज लाइक, ये सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा है. तो अर्ली दिस ईयर, सो आर द गीज रिटर्निंग अर्ली दिस ईयर. सो नाउ दिस सेंटेंस इज मेकिंग सम सेंस. सो जो भी कोई जो सेंटेंस सेंस बना रहा होगा, जो सेंटेंस आपको मीनिंग दे रहा होगा किसी चीज़ का, कि क्या गीज इस ईयर जल्दी आएंगे, तो वो सेंटेंस आप लिखोगे. दैट विल बी योर आंसर. ओके, नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ एग्जांपल. ट्राई चीयर बेन अप डू योर पेरेंट्स व्हेन यू आर टू सैड. नाउ यहाँ पे हमारा वर्ब क्या है? डू हमारा वर्ब है यहाँ पे. तो हम सबसे पहले अपना स्टार्ट कर लेंगे डू से. नाउ व्हेन भी हमारा, हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं व्हेन से. तो व्हेन से भी हम स्टार्ट करके देख सकते हैं, बट एज आई हैव टोल्ड यू, जो सबसे एप्रोप्रिएट सेंटेंस होगा हम वही लिखेंगे जो कोई मीनिंग दे रहा होगा. यू कैन स्टार्ट, यू कैन इवन ट्राई टू स्टार्ट द सेंटेंस फ्रॉम व्हेन, बट किसी पॉइंट पे अगर वो बनना ख़त्म हो जाएगा तो यू विल जस्ट, यू विल नॉट राइट दैट आंसर एंड गो फॉर अ अनदर ऑप्शन. ओके, सो आई एम स्टार्टिंग हेयर फ्रॉम डू. नाउ देयर आर सो मैनी सब्जेक्ट्स हेयर, लाइक योर इज़ द सब्जेक्ट, यू इज़ द सब्जेक्ट, एंड यू आर इज़ द सब्जेक्ट. सो वॉट सब्जेक्ट यू विल बी यूज हेयर इज़ द क्वेश्चन है. सो दैट ऑल्सो वी हैव टू सी, लाइक
आपको पहली बार में नहीं आएगी ये चीज़, आपको पहली बार में बहुत ट्राई करना पड़ेगा, बट वेन यू विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस विल कम टू नो. ओके, सो योर पेरेंट्स, डू योर पेरेंट्स, योर पेरेंट्स इज द सब्जेक्ट है. ट्राई इज द हेल्पिंग वर्ब हियर. आई हैव टोल्ड यू इफ देयर इज नो प्रेपोजिशन जस्ट लुक फॉर द हेल्पिंग वर्ब टू जॉइन द सेंटेंस. सो ट्राई टू चीयर यू अप वेन यू आर सैड. तो मतलब है इसका, क्या तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें चीयर करने की कोशिश करते हैं जब तुम दुखी होते हो? दिस इज़ अ क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन देयर इज अ क्वेश्चन मार्क इन द एंड. दिस इज द इंटरोगेटिव सेंटेंस स्टार्टिंग फ्रॉम द वर्ब डू. ओके ओके, अंडरस्टूड? नाउ टू रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, लाइक देयर इज अ क्वेश्चन मार्क, हुज इज हाउज दिस. सो अब बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जो मैंने एज आई टोल्ड यू जो अलग अलग तरीकों से बन सकते हैं. जैसे ए, हुज हाउज इज दिस, बी, हुज इज दिस हाउस, सी, दिस हाउस इज हुज, हुज हाउस, हुज दिस हाउस इज. सो जो सी और डी है लाइक वो थोड़े इनअप्रोप्रिएट लग रहे हैं. लाइक दिस हाउस इज हुज, एज आई टोल्ड यू, हुज, वॉट, हाउ, इन सबसे सेंटेंस एंड नहीं होते हैं, यूजुअली नहीं होते हैं, ठीक है. और डी वाला जो है, हुज दिस हाउस इज, सो दिस इज ऑल्सो हुज दिस हाउस इज, इट्स करेक्ट, बट बहुत ही अटपटा लग रहा है सुनने में. सो जो सबसे सिंपल सेंटेंस सबसे अप्रोप्रिएट लगे हमेशा हमें वही लिखना चाहिए. ओके, सो ऑप्शन ए, हुज हाउस इज दिस, ये थोड़ा सही लग रहा है सुनने में, सब कुछ सही भी लगा हुआ है. एज आई टोल्ड यू, हुज हम किससे स्टार्ट कर सकते हैं, हम हुज इन सब से स्टार्ट कर सकते हैं, या तो हम वर्ब से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है. तो हुज से हमने स्टार्ट किया, ठीक है, प्लस हमने लगाया अपना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, हाउस हो गया हमारा सब्जेक्ट, ठीक है. और बाकी हमने बच्चे भी लगाया. दिस इज़ अ वेरी स्मॉल सेंटेंस. हमें हमेशा हर सेंटेंस में सारे पार्ट नहीं मिल सकते हैं, बट कुछ पार्ट अगर हमें स्टार्टिंग पता चल जाती है तो हम अपने आप वो सेंटेंस बनता रहता है. ओके, एंड ऑप्शन नंबर बी, हुज इज़ दिस हाउस, तो दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट. हुज इज़ दिस हाउस, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट, दिस इज़ ऑल्सो अप्रोप्रिएट. बट सी एंड डी बहुत ही अटपटे लग रहे हैं सुनने में. सो इफ आई विल बी राइटिंग द पेपर, आई विल गो विद ईदर ए और बी. ओके, सो नाउ वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. आई एक्सप्लेन यू टूडे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को रीअरेंज कैसे करते हैं. ओके, जस्ट गो थ्रू द वीडियो एंड आई विल बी गिविंग यू द वर्कशीट. जस्ट प्रैक्टिस मोर एंड मोर, एज यू कैन प्रैक्टिस जस्ट डू दैट. थैंक यू.